सबास बेस्ट क्लासेस में मैं आज आपको वजड़ी तवा फ्राई बनाना बता रही हूँ। तो देखिए, इस मज़ेदार वजड़ी को बनाने के लिए हम क्या करेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर वजड़ी ली है, साथ में इंटेस्टाइंस भी हैं। ये आधा किलो बकरे की वजड़ी है, यानी जिसे बोटी भी कहा जाता है। ये देखिए, मैंने थोड़े से फेफसे भी लिए साथ में। और हम एक टीस्पून चूना इस वजड़ी को लगा देंगे। आप वजड़ी पर बहुत अच्छी तरह से चूना लगा दीजिए और 5 मिनट के लिए रख दीजिए। अगर चूना सूट ना होता हो तो आप सोडा भी लगा सकती हैं। देखिए, मैंने इसमें गर्म पानी डाल दिया। गर्म पानी डालकर 5 मिनट रखेंगे और उसके बाद इसे इस तरह से साफ़ कर लेंगे। इसे अच्छी तरह से अपने हाथों से साफ़ कर लीजिए, ये बहुत आसानी से निकल जाता है। देखिए कितनी अच्छी तरह से साफ़ हो रही है। इसी तरह से आप सारी वजड़ी को साफ़ कर लीजिए और फिर इसे साफ़ पानी से धो लीजिए। देखिए, हमने इसे धोकर रख दिया है। अब जो इंटेस्टाइंस है उन्हें हम इस तरह साफ़ करेंगे। एक चाकू में इसे पुरो दीजिए, यानी और इस तरह से इसे काट लीजिए, तो ये खुल जाएगी और हमें धोने में इसे बहुत आसानी हो जाएगी। अब देखिए, मैंने इसमें भी थोड़ा सा नीम गर्म पानी डाल दिया और हम इसे भी धोकर छान लेंगे। इसे भी 2-3 पानी से धो लीजिए। यहाँ मेरे पास 6 टमाटर हैं। ग्रेवी के लिए मैंने 6 टमाटर, 2 प्याज और 4 से 5 हरी मिर्चें ली। इन सभी चीज़ों को हमें रोस्ट करना है, इसलिए मैंने टमाटर पर तेल लगाया और इसे हम इस तरह से रोस्ट कर लेंगे, यानी गैस पर हम भून लेंगे। सारे टमाटर को आप इसी तरह से भून लीजिए। इस तरह से जब हम ग्रेवी बनाते हैं तो ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनती है। तो देखिए, मैं प्याज को भी थोड़ा सा तेल लगा रही हूँ और तेल लगाने के बाद हम प्याज को भी भून लेंगे और हरी मिर्चों को भी आप इसी तरह से भून लीजिए तेल लगाकर। अब देखिए, सारी चीज़ें तैयार हैं हमारे पास। हम हरी मिर्चों की डेंटें निकाल लेंगे और टमाटर को और प्याज को थोड़ा छील कर हम इसे पीस लेंगे। देखिए, मैंने इस तरह से इन्हें काट लिया है। काट कर हम इसे मिक्सर के जार में डालेंगे और फिर इसका पेस्ट बना लेंगे। प्याज, टमाटर और हरी मिर्च को बारीक पीस दीजिए। देखिए, मैंने यहाँ पर इसे पीस लिया है। अब एक प्रेशर कुकर में सारी वजड़ी वगैरह डालिए और उसके बाद ये बनाया गया पेस्ट डालिए। और इसके बाद हमने 1 टीस्पून लाल मिर्चें डाली, नमक डाल दिया और फिर हल्दी, यानी आधा टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून मैंने अदरक लहसुन पेस्ट डाला और 1 टेबलस्पून के आसपास ऑयल डाल दिया। ये सारी चीज़ें आप अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और इसमें 2 ग्लास पानी डाल दीजिए और साथ ही मैंने ये थोड़े से फेफसे भी इसमें डाल दिए और फिर ढक्कन लगाकर इसे गलने तक पका लीजिए। करीब 7 से 8 मिनट तेज़ आंच पर और 15-20 मिनट धीमी आंच पर इसे पका लीजिए। जब वजड़ी गल जाएगी तब इसे हम निकाल लेंगे और निकाल कर हम इसे चेक करेंगे। ये गर्म है इसलिए मैं इसे थोड़े से ठंडे पानी में डालूंगी और फिर इसे चेक करूंगी कि ये गल चुकी है या नहीं। देखिए, ये बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है। अब एक तवे पर हम मक्खन डालेंगे, यानी बटर डाला है मैंने 100 ग्राम के आसपास। फिर उसमें मैंने ये बनाई गई ग्रेवी डाल दी वजड़ी की और फिर हम इसे तेज़ आँच पर भून रहे हैं। फिर 1 टीस्पून चिकन मसाला या मटन मसाला डालिए। फिर उसके बाद 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर डाल दीजिए और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से भूनिए। देखिए, अगर रोज़मर्रा और दावती पकवान अगर आपको सीखना है तो सबास बेस्ट क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी रेसिपीज़ आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाएँ। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। अब देखिए, मैं इसमें 1 टीस्पून कसूरी मेथी, यानी सूखी मेथी डाल रही हूँ। देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। ये वजड़ी इतनी मज़ेदार बनती है कि आप इसे बार बार बनाना चाहेंगी इसी स्टाइल में। जो लोग वजड़ी पसंद नहीं करते वो भी इसे पसंद करेंगे। तो इस तरह से आप इसे भून लीजिए। और अब मैंने इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला डाल दिया। गरम मसाला डालने के बाद भी आप इसे थोड़ा सा भून लीजिए
और अब हम इसमें थोड़ी सी कोथमीर और पुदीना डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। हमने दो बार कोथमीर पुदीना डालना है, एक बार हमें इसे पका लेना है और दूसरी बार हमें उसे ऊपर से डालना है। अब देखिए, मैंने इसमें आधे नींबू का रस डाल दिया और फिर मैं इस पर दोबारा कोथमीर पुदीना डालूंगी। तो ये हमारी वजड़ी तैयार हो गई है।